हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनीवन कैन कुक विद नव्या में। और आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट बिस्किट विद चॉकलेट फिलिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई नई रेसिपीज़ की जानकारी मिल सके। तो चलिए बनाते हैं डोनट बिस्किट। बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप गुनगुना दूध लिया है। दूध हमें गुनगुना लेना है। हम इसमें आधा कप पिसी हुई शक्कर मिला रहे हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ईस्ट मिलाएंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ईस्ट और शक्कर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 से 20 मिनट अब हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर देखेंगे, ये काफ़ी फूल चुका है। अब हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कटोरी मैदा लेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक मिलाएंगे। नमक डालने से मीठे का स्वाद उभर कर आता है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। अब हम मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ईस्ट वाला दूध मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब यह मिक्स हो चुका है। अब बाकी का हम इसको बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे। हमने इसे एक थाली में निकाल लिया है। इसमें शक्कर मिली हुई है, इसलिए हमारी मैदा काफ़ी स्टिकी है। तो हम इसे हाथ से अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। हम इसे परात या थाली में इस तरह से पटक पटक कर अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून देसी घी मिलाएंगे। घी को हमें मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब घी हमारा मैदा में पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में रख देंगे और इसके चारों साइड घी लगा देंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम बिस्किट की फिलिंग तैयार करेंगे। गैस पर हमने पैन को रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे। दूध हमें ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम इसमें चॉकलेट सिरप मिलाएंगे। चॉकलेट सिरप हम कलर के लिए मिला रहे हैं, इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम 150 ग्राम इसमें खोया मिला रहे हैं। खोए में हमने शक्कर को मिलाकर रखा था। आप चाहें तो शक्कर बाद में भी डाल सकते हैं। अब खोया मेल्ट होगा, इसमें चॉकलेट का कलर भी आएगा। हमें इसको दूध और चॉकलेट सिरप में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें चॉकलेट का अच्छा कलर और टेस्ट आएगा। हमें इसे पकाकर गाढ़ा कर लेना है। ये हमारी फिलिंग पककर तैयार हो चुकी है। अब हम कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे तो यह जम जाएगा, क्योंकि इसमें शक्कर मिली हुई है। गैस को हम बंद कर देंगे। डो को रखे हुए हमें 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी फूल चुका है। दबाने पर यह आसानी से दब रहा है, मतलब इसके अंदर एयर भर चुकी है। हम इसे एक बार फिर से गूंथ लेंगे। चॉकलेट फिलिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है। हम 1 चम्मच की मदद से थोड़ा चॉकलेट लेकर हाथों से इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। इसी तरह से हमें सारे गोले बना लेने हैं। अब हमारे चॉकलेट के बॉल बनकर तैयार हैं। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर मैदा के डो को उस पर रख कर बेलन की मदद से इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। अब हम 1 ग्लास की मदद से इसके गोले काट लेंगे। अब हम 1 गोले को लेंगे, इसके अंदर हम चॉकलेट और खोए के बॉल को रखेंगे और इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। बंद करके हम इसको हाथों से गोल कर देंगे। ये हमने गोले को इस तरह लिया, इस तरह से इसमें चॉकलेट बॉल रखकर इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब हमारे सारे बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारा थोड़ा सा डो बच गया है। आप बचे हुए डो के डोनट बना सकते हैं। डोनट बनाने के लिए आप हमारी डोनट वाली वीडियो देख सकते हैं। हमने 10 मिनट के लिए कुकर को प्रीहीट कर लिया है। अब हमने एक एल्युमिनियम प्लेट पर बटर पेपर लगाकर सारी बॉल को इस पर रख दिया है। बटर पेपर पर भी हमने ऑयल लगाया है। अब हमने प्लेट को कुकर में रख दिया है। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट अब हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे डोनट बिस्किट कैसे बने हैं।
ये देखिए ये फूल चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें कुकर से निकालेंगे। देखिए हमारे डोनट बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे दिखाते हैं, ये नीचे से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, ऊपर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए इनकी फिलिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारे डोनट बिस्किट बनकर तैयार हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।